Hi everyone, how are you all? I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो बैग्स हॉल. Honestly, मुझे मीशो के हॉल्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड पास्ट में मेरा कुछ एक्सपीरियंस मीशो के साथ अच्छा रहा भी नहीं है, तो इसलिए आई वॉज अवॉइडिंग लाइक मीशो. बट इस बार मैंने सोचा चल ठीक है, एटलीस्ट वी कैन ऑर्डर बैग. जो पे ना गाइस काफी सारे ड्यूप बैग्स मिल जाते हैं डिजाइनर बैग्स के, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गेट इट एंड शेयर विद यू गाइस. तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कौन कौन से बैग्स मंगाए हैं, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिएगा. ऑल्सो बैग्स के जितने भी कोड्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हो. तो चलो गाइस बिना देर करें हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. गाइस जो मेरे पास सबसे पहला बैग रिसीव हुआ था वो हुआ था ये वाला, और ये बहुत ही अच्छे पैकिंग में आया था. आप देखो, देख के काफी लग्जरी दिख रहा है, और जब मैंने इसे खोला ना आई वॉज रियली अमेज्ड बिकॉज लुक एट दैट, कितना प्यारा है. आई रियली लाइक ब्लिंगी स्टाफ. और इस तरीके का ना मैंने कुछ एचएनएम में देखा था, दैट वाज ऑफ लाइक 3,000-3,500 तक. और इतना सीरियसली मैं नहीं डालना चाहती एक बैग में, सो आई गॉट द ड्यू फॉर दैट. एग्जैक्टली आप प्राइस जाके गाइस चेक कर लेना, मैंने दिया नहीं है. अब इसको मैंने जब खोला ना, मुझे इसमें गाइस दो तरीके की चेन मिली, विच इज मतलब इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना इसको पाके, आई कांट इवन टेल यू. सो कुछ इस तरीके का है, इसमें मेरे को जो चेन मिल रहा है दैट इज द बेसिक चेन गाइस. कुछ इस तरीके का इसमें आपको स्लिंग मिल जाता है. ये चेन का क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छा है, आई एम नॉट श्योर वेदर ये ब्लैक पड़ेगा कि नहीं, एंड टू द प्राइस पॉइंट विच आई गॉट इज रियली रियली वर्थ. और इस चेन को हटा के ना इसमें सेकेंड टाइप का भी आपको चेन मिलता है, विच इज दिस वन. इसका क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, एंड आई रियली डोंट लाइक द फैक्ट कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना. ये लिखने की क्या जरूरत है इन्हें, आई डोंट नो. सो ये कुछ इस तरीके का बेल्ट है, आप इस तरीके से भी इसे कैरी कर सकते हो इफ यू वॉन्ट. ओ गॉड गाइज, दिस इज रियली अमेजिंग, इट्स वेरी 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 ब्यूटिफुल, आई लव द क्वालिटी. यहाँ पे आपको ना वेलवेटी टेक्सचर मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा साइज है, आप इसमें आराम से फोन तो एटलीस्ट अपना फिट कर ही सकते हो. और इसके अंदर भी आपको एक जिप मिलती है, विच आई रियली लव द फैक्ट, क्योंकि वो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना वो आप जिप पे डाल सकते हो. और अंदर का जो मटेरियल दिया हुआ है ये भी बहुत ही उमदा मटेरियल दिया हुआ है, सो डेफिनेटली अ मस्ट बाय फ्रॉम मीशो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैग गाइज, छोटे बैग्स मैंने मंगाए हैं, बहुत ज्यादा बड़े बैग्स इसमें नहीं मंगाए हैं. तो ये बहुत ही प्यारा सा ब्यूटी मैंने मंगाया हुआ है. गॉड कैन यू टेक अ मोमेंट टू अडोर दिस, दिस इज हेल ब्यूटिफुल. और ये मेरे को कब से चाहिए था इस तरीके का बैग, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ पर्ल. आप देखो इसका क्वालिटी कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है. यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा खासा थिकनेस दी हुई है, ऐसा नहीं कि एकदम पतला सा दिया हुआ है, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा. और यहाँ पे थॉटफुलनेस है कि इन्होंने इधर पे लॉक भी दिया हुआ है, तो यू कैन एटलीस्ट लॉक, और ये बार बार खुलता नहीं रहेगा. तो ओवरऑल इसका क्वालिटी इज अमेजिंग गाइस. जब आप इसे हाथ में लेते हो ना, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि यू आर होल्डिंग अ प्रीमियम थिंग. और इसमें आपको इस तरीके का एक बेल्ट मिलता है, जो कि अगेन बहुत ही गुड क्वालिटी बेल्ट है. दो तीन लेयर ऑफ पर्ल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है गाइस. लाइक गेटिंग समथिंग फ्रॉम मीशो लाइक दिस, मैं इस बार लिटरली शॉक हुई हूँ, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस मीशो के साथ मैंने आपको बताया ना अच्छा नहीं होता है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड यूजिंग ऑल दिस स्टफ, दिस इज वेरी क्लासी पीस, इट इज मस्ट हैव इन योर वार्डरोब. द वेरी नेक्स्ट पीस विच इज द क्यूटेस्ट इन दिस हॉल इज दिस बैग. Oh my God, guys, look at this beauty, how cute it is. जब ये मेरे को रिसीव हुआ ना, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसे ही था, wow. तो ये बहुत ही प्यारी क्वालिटी में आया है. आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट जिस प्राइस पॉइंट में मैंने खरीदा है 300-350 समथिंग, कि इतना अच्छा आएगा. तो ये जो क्रंच है गाइज, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे इसमें. आई रियली लव द चेन क्वालिटी. अच्छी बात है कि मेटल की नहीं है, तो काले होने का डर नहीं है. दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. अब कलर देखो कितना क्लासी कलर है. इस तरीके के बैग्स तो यार एक बकेट बैग टाइप ऑफ थिंग होना चाहिए वार्डरोब में. अगेन यू गेट योर अ स्लिंग, अंदर आपको जिप मिल जाती है यहाँ पे, तो आप आराम से सामान रख सकते हो. इवन अंदर के कपड़े का क्वालिटी भी अच्छा खासा है, एंड यू गेट सच लॉक थिंगी हियर, जिससे आपका बैग बंद हो जाएगा एंड आपको डर नहीं रहेगा कि कोई भी सामान टेढ़ा हुआ और निकल जाएगा. तो या डेफिनेटली अ मस्ट हैव पीस अगेन इन योर बैग कंडीशन. सो गाइज, आप मैंने मिनी मिनी बैग्स तो मंगा लिए, तो एक बैग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने थोड़ा सा बड़ा मंगाया है, एंड इट इज अ ड्यू फॉर गुची. सो दिस इज द बैग. ओ माई गॉड, दिस लुक्स सुपर प्रीटी. आई लव एवरी थिंग अबाउट दिस बिकॉज इट इज ब्राउन कलर. मुझे ब्राउन कलर मेरा सीजनल फेवरेट हो गया है, मेरे दिमाग में सिर्फ ब्राउन
ब्राउन चीजें, हर जगह मुझे ब्राउन दिखता है, ब्राउन लिपस्टिक्स। तो ये गुची बैग तो मैंने मंगाया, आई जस्ट विश कि यहाँ पे गुची लिखा ना होता, बिकॉज इससे ना पता चल जाता कि आपने नकली गुची होल्ड कर रखा है। आई वुड बी रियली हैप्पी कि बस ये गुची ना दिखते। अदर देन दैट, ये बैग देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है। तो ये भी मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट पीस है। और आप देखो ब्राउन कलर की मैं बात करी थी, आई हैव अ ब्राउन नेल पेंट। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा डिटेलिंग मिलता है। यू गेट योर लॉक, बहुत ही क्यूट सा लॉक है जिसकी चाबी है नहीं। इसमें अंदर कुछ इस तरीके का पीस है, एक ही जिप मिल रही है आपको। और अंदर आप कंपार्टमेंट देखो, अगर आप मेरी तरह हो जो अपना पूरा वर्ल्ड कैरी करना पसंद करती है बैग में, दिस इज फॉर यू। यू गेट थ्री स्पेसेस, एक यहाँ पे बीच में एक है और एक आपको यहाँ पे लास्ट में मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, आपको अंदर एक जिप भी मिल जाती है। तो टोटल चार चेन्स हो गए, चार स्पेसेस हो गए, और आपको एक लास्ट में भी स्पेस मिल जाता है। तो आई मीन पांच जिप है इसमें, आप आराम से मतलब अपना सामान बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हो। टोट में क्या होता है, सब सामान इधर को उधर हो जाते हैं, बट इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज रहने वाला है। अगेन यू आर गेटिंग अ ब्राउन बेल्ट हियर, स्ट्रक्चर्ड हैंडबैग अगर आपको चाहिए अफोर्डेबल रेंज में देख रहे हो, और अगर आपको इस गुची वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन डेफिनेटली कीप दिस इन योर बैग कलेक्शन। कमिंग टू द लास्ट बैग विच वी हैव हियर इज वेरी प्रिटी बैग गाइस, इज दिस वन। कैन यू सी द शेप, द क्वालिटी। जब ये आया था एंड देन आई ओपन्ड द बैग, आई वॉज रियली शॉक। ये ना बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे, इसमें क्रोकोडाइल वाला प्रिंट ऑल ओवर बैग में आपको मिल जाता है। लुक एट दैट, ठीक है। देन आपको यहाँ पे आगे कुछ इस तरीके का डिटेलिंग मिलता है। ये है डियोर बैग का, अगर आप डियोर बैग का मैं फोटो यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, अगर आप देखोगे तो ये वाले की जगह पे यू गेट डी डियोर में। थैंक गॉड कि यहाँ पे कहीं पे भी डियोर मेंशन नहीं है, डी लटका हुआ नहीं है, बिकॉज पता नहीं, इन जनरल आई डोंट लाइक दैट। अगर असली डियोर है तो ही होना चाहिए, अगर मैं ड्यूप ले रही हूँ आई डोंट वॉन्ट एनी असली वाला थिंगी हियर। सो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। जब मैं इसे खोलती हूँ, इसका क्वालिटी भी बहुत सही है गाइस, मतलब मैंने चीप एक्सपेक्ट किया था बट इट इज नॉट चीप एक्चुअली। फिर जब मैंने इसे ओपन किया तो फिर अंदर भी मुझे यहाँ पे जिप देखने मिल रही है, स्पेशियस भी है, एटलीस्ट आपका फोन और वॉलेट आ जाएगा, उससे ज्यादा चीजें मत एक्सपेक्ट करना। इसलिए इतना ज्यादा फंक्शनल नहीं है बैग, मैंने इसके रिव्यू सुने हैं डियोर बैग के कि दैट इज नॉट फंक्शनल, ये सिर्फ शो वाला बैग है, बट ओवरऑल इसका क्वालिटी वगैरह मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आई एम टेलिंग यू, डू नॉट मिस दिस, इट इज अगेन अ मस्ट बाय। तो इसके साथ भी गाइज आपको बहुत ही अच्छा खासा चेन मिल जाता है, स्ट्रैप मिल जाता है, चेन बोल रही स्ट्रैप मिल जाते हैं। ये काफी ज्यादा थिक स्ट्रैप है अगर आप देखोगे तो, और इसको आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स मिल रहे हैं। क्वालिटी मुझे इसका काफी अच्छा लग रहा है स्ट्रैप का, एंड इवन यू कैन कैरी इट लाइक अ साइड बैग। तो मुझे ये चीज भी इसमें बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। बट इसमें एक चीज है कि आप ये स्ट्रैप को डिटैच नहीं कर सकते, मतलब ये निकलेगा नहीं, आपको इसको पीछे रख के उसके बाद ही अटैच करना पड़ेगा। काशी इसको निकालने के लिए भी होता समथिंग, बट दिस इज एकदम स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है तो निकाल नहीं सकते। ओवरऑल गाइज दिस इज अगेन अ मस्ट हैव इन योर वॉर्डरोब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने ना सारे आपको ऐसे बैग्स दिखाए हैं जो कि मस्ट हैव इन योर बैग कलेक्शन होना चाहिए, इसी में भी कोई कमी मुझे नहीं लगी। एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि मीशो ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया हुआ है, एंड आई एम रियली हैप्पी विद द परचेज। डेफिनेटली गाइज मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा ज्यादा बैग पसंद आया, आई वुड लव टू हियर दैट। तो इसी के साथ गाइज मैं वाइंड अप करती हूँ हमारे वीडियो, और मैं मिलती हूँ हमें मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइज।